आपको बिरला ऑडिटोरियम लिए चलते हैं जहां पर सीएम भजनलाल मौजूद हैं। इसी के समय पर हुई थी, कह सकते हैं कि उस तानाशाही सरकार ने जिस तरह का काम किया, दमनकारी आपातकाल में मीसा तथा डीआरए में जैसे कठोर कानूनों को राजनेताओं और समाज सेवियों को लगाकर उनको प्रताड़ित किया गया था। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता कि आपका यह योगदान इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत प्रजातंत्र है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मजबूती से ही यह भारत आगे बढ़ रहा है, और यह आपकी विकसित भारत माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उनके मन में विकसित भारत की जो कल्पना है, 2047 तक हम हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यह आपसे ही निकला हुआ है, आपके उस परिश्रम से, आपके परिश्रम की पराकाष्ठा से जो हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने की है, उसी का आधार यह बनता जा रहा है। मैं कहता हूं हमारी पूर्व सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को कुछ सुविधाएं देने का काम किया, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, हम भी आज उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भटकते हुए उस समय के परिवार की कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता, आपके उस समय के योगदान की कोई भी सरकार पूर्ति नहीं कर सकती, हम भी पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन हमने सम्मान देने का काम किया था, इस कांग्रेस की सरकार ने वो सम्मान भी उनसे छीन लिया, और उन्होंने उस हमारी जो पेंशन और हमने जो सुविधा दी थी उनको भी उन्होंने छीनने का काम कर दिया। हमारी सरकार 15 दिसंबर को हमने शपथ ली, पहली कैबिनेट में हमने फैसला लिया, और हमने हमारी विधानसभा के अंदर हमारा वितरी अनुदान आया था, उसी में हमने फैसला लिया कि हम बहाल करेंगे, और हमने तुरंत बहाल करते हुए पेंशन देने का हमने काम किया। मैं कहना चाहता हूं हमारे सभी बुजुर्गों को, भाइयों को उसका सम्मान मिलना चाहिए। अरे हम कोई अच्छा काम करते हैं उसको पुरस्कृत करते हैं, उसको पुरस्कृत करते हुए इसलिए करते हैं कि उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है। आप लोगों ने तो देश के इस प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है, और ये किया है जिससे हमारा ये प्रजातंत्र, हमारा संविधान मजबूती के साथ चले और मजबूती के साथ काम करे। आपके मन में कल्पना थी, क्योंकि एक दिन में लोकतंत्र सेनानी और हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय हरिशंकर जी भावड़ा जी से मैं मिलने गया था। हमारे प्रभारी जी आए हुए अरुण सिंह जी, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भावड़ा जी से हमें मिलना है। हम भावड़ा जी से जब मैं मिलने गया, उन्होंने बात रखी, बातें बातों में उनके मन में ये भाव आया कि मेरे जो साथी थे वो सभी चले। हमने जो नारा दिया था, हमने नारा दिया था कि जाओ मुए वरदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हमने नारा दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे साथी चले गए, लेकिन मैं इस बात के लिए जिंदा हूं और मुझे खुशी है कि मेरे सामने धारा 370 भी हट गई और राम मंदिर भी बन रहा है। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक हो गए। अरे लोकतंत्र सेनानियों के मन की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आपसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर रामलला के उस दिव्य